स्वामी, मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी ये निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ, सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्मदिवस है। मुझे आपका ये उपहार स्वीकार है, लीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है, आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ। तो भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं, कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया ना हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए जाता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आ गया ब्रदर श्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला ना छोड़ना। जो आ गया ब्रदर श्री। धन्य है श्री राम, आपने दर्शन देकर मेरी आंखों की प्यास बुझा दी। अब बाण चलाकर मेरे जीवन का उद्धार भी कर दीजिए।
हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, ये तो आर्य पुत्र की पुकार है। नहीं भाभी श्री, ये अवश्य कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा माया जाल फैलाए रहते हैं। सीता, नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है, ये उन्हीं की पुकार है, वे संकट में हैं। भाभी श्री, जो स्वयं कष्ट निवारक हैं, उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है? मेरे भ्राता श्री तो संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता ना करें। कैसे ना करूं चिंता भ्राता लक्ष्मण, मैं रघुवीर की वाणी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वे संकट में है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी श्री, समस्त संसार मेरे भ्राता श्री को सहायता के लिए पुकारता है, फिर भला वो मुझे ही क्यों सहायता के लिए पुकारने लगे? आप निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं, फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भयभीत हो, स्वार्थ ने तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, किंतु तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं। सत्य है, संसार में भाई जैसा ना कोई मित्र है और ना ही भाई जैसा कोई शत्रु। भाभी श्री, ये आप क्या कह रही हैं? भ्राता श्री राम मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, वो मेरे आदर्श है, मेरे आराध्य है वो। सब कहने की बात है भ्राता लक्ष्मण, आज मुझे सत्य का आभास हुआ है, तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा है। नहीं भाभी श्री, नहीं, आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं, यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तुम मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवन राज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना कि मैं ये स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं, यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है, तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है, ये सब माया जाल है। जा रहा हूं भाभी श्री।
भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा, हैयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। राधाश्री, राधाश्री, मारीच, मारीच, तुमने छल किया मुझसे? हे राम, ये मेरे जीवन का अंतिम अपराध है। इसके पश्चात ना मेरा जीवन रहेगा, ना मैं कोई अपराध कर सकूंगा। किंतु तुमने छल क्यों किया मुझसे? हे राम, आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन के कल्याण का एकमात्र उपाय था। राधाश्री, इसी इच्छा के हाथों मैं विवश हो गया। आपके आपके दर्शन हो गए, आपके हाथों परलोक सिधार रहा हूं। मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे मुझे क्षमा करे श्री राम, मुझे क्षमा राम। किंतु मारीच, हे राम, राधाश्री, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया अनुज। क्षमा कीजिएगा राधाश्री, यदि मैं यहां नहीं आता तो भावी श्री के श्राप का भागीदार बन जाता। आपकी वाणी में हे लक्ष्मण की गुहार सुनकर उन्हें लगा कि आप जरूर किसी कष्ट में होंगे। राधाश्री, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु किंतु जब उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात कही तो मैं यहां आने में विवश हो गया। मैं जानता था कि यह किसी राक्षस का मायावी खेल ही होगा। अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है अनुज। जानकी देवी किसी संकट में पड़ने वाली है। हम पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं अनुज, हमें चलना चाहिए। हाँ भ्राताश्री। आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। लक्ष्मण जाते जाते अपने भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हर हर महादेव।
प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव। आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है, इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। राधा लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूँ। ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे तुम? छोड़। दुष्ट। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूँ जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो मुझे कभी नहीं जीत सकता रावण। मैं अपने राम की हूँ और सदा उन्हीं की रहूंगी। तू मुझे कभी नहीं जीत सकता, छोड़ दे मुझे। ए, तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी और किसी की नहीं, समझी? चल मेरे साथ। छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे। चलो पुष्पक विमान। छोड़ दे मुझे दुष्ट। हे यारे पुत्र, पंचवटी की कुटिया, राधा लक्ष्मण की रेखा, मेरे द्वारा गिराए हुए फलों के पात्र एवं पांचों वृक्ष, ये सब मेरे अपहरण के साक्षी हैं। किंतु ये सब मिलकर भी आपको नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। आर्य पुत्र, राधा लक्ष्मण। हाँ, पुकारो, पुकारो इन्हें। आर्य पुत्र। सीता। भाभीश्री। सीता, भाभीश्री, सीता, भाभीश्री। Thank you.
सीता, भाभीश्री, 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 अनुज, चलकर सीता को ढूंढते हैं अनुज, वो लोग अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। कई मास के पश्चात भ्राता संपाति से मिलकर लौटा हूं। रघुकुल नंदन, श्री राम पुत्रवधु जानकी एवं लक्ष्मण सकुशल हूं। हे भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्य पुत्र, भ्राता लक्ष्मण, हाँ पुकारो। आर्य पुत्र, भ्राता लक्ष्मण। अरे ये तो लंकापति रावण है और पुत्र वधु सीता को बलपूर्वक लिए जा रहा है। खैर पुत्री, मैं आता हूं। चिंता ना करना पुत्र वधू, मैं आ गया हूं। संसार को अंतिम बार नेत्रों से देख ले रावण, तूने मेरी पुत्र वधू को मैले नेत्रों से देखा है, मैं तेरे ये नेत्र फोड़ दूंगा। हे दान, मेरी रक्षा कीजिए, ये पापी मुझे छल से आर्य पुत्र की अनुपस्थिति में यहाँ ले आया है। पुत्री, मैं अभी इस पापी को इसका दंड देता हूं। ठहर दुष्ट, भागता कहां है? यदि मुझे पुत्र वधु का ध्यान ना होता तो मैं तेरे रथ के 50 टुकड़े कर देता। बुढ़े, मैं केवल तेरे बुढ़ापे के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, और तू? हाँ बूढ़ा हूं किंतु तेरे लिए नाग हूं। नाग, तूने नाग के बिल में हाथ डाला है, तूने काल का द्वार खटखटाया है। काल? काल तो मेरे सिरहाने बंधा है बुढ़े, चला जा यहां से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चला जा। तूने श्रीराम के सम्मान को चुनौती दी है, उनकी क्रोध रूपी भयानक अग्नि के समक्ष तू एक पतंगे की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु मैं श्री राम को इसका अवसर ही नहीं दूंगा। बुढ़े, तो क्या स्वयं को पाषाण से भी कठोर और शक्तिशाली समझता है? तू नहीं जानता कि लंकापति रावण वो ज्वालामुखी है जो पर्वत की छाती फाड़कर धधकते हुए ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अरे कायर, अपनी वीरता के डींगे हांक रहा है और एक नारी को छल से उठाकर लाया है। मैं बूढ़ा अवश्य हो चुका हूं, किंतु तुझ जैसों को दंड देने की अभी भी क्षमता रखता हूं। जा रे बुढ़े, अब तू यही मर, अब तो मैंने तेरे दोनों पंख काट दिए। सत्य है रे पापी,
जिस प्रकार तूने एक नारी से छल किया है उसी प्रकार मेरे साथ मेरे बुढ़ापे ने छल किया है। पुत्री सीते, पुत्री मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। अधम, पापी, नीच, तूने मेरे पिता समान दांत को मार डाला। राम राम राम। सीता भाभीश्री, सीता भाभीश्री। राम सीता भाभीश्री, सीता राम, सीता राम, सीता। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहां है? यदि विधाता ने इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को वाणी दी होती तो मैं उनसे पूछता अनुज। राम, हे राम। अनुज, राम राम। अनुज, तुम्हें यह वाणी सुनाई दी? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा अनुज? पीड़ा में डूबी हुई यह वाणी किसी राक्षस की माया नहीं हो सकती। हाँ प्रताश्री, किंतु ये वाणी कहीं सुनी हुई लग रही है और ये वाणी निकट ही से आ रही है। राम, आओ अनुज। हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम, हे राम 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 राम, हे राम। तात जटायु, तात आ गए मेरे राम। पुत्र समय कम है, पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब स्वर्ग में तुम्हारे पिता अपने मित्र दशरथ से भेंट होगी। तात, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम पर ऋण है। तात, राम, तात, रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। आपने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने प्राण अर्पण कर दिए, स्वयं मैं एवं समूचा रघुवंश आपके आभारी हैं। तात, अब विदा दो राम, विदा। तात, आपसे एक निवेदन है। तात, कहो पुत्र। तात, स्वर्ग में पिताश्री से जब आपकी भेंट हो तो उन्हें ये मत बताइए तात कि मैं उनकी पुत्रवधू की रक्षा नहीं कर पाया, एक सफल पति सिद्ध नहीं हो पाया। कुछ नहीं कहूंगा राम, अपने मित्र दशरथ से कुछ नहीं कहूंगा, अब चलता हूं। तात, तात, राम, तात जटायु। अनुज, चिता की व्यवस्था करो। अनुज, पिताश्री की चिता को मुखाग्नि देकर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया था,
तो पिता समान पिता के मित्र को मुखाग्नि देकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो आ गया भ्राताश्री। धन्य जटायु है बड़ भागी, पुत्र समान राम अनुरागी। चिता सजी लक्ष्मण के हाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा। अवसर जीवन महिया, अस अवसर दशरथ नहीं पायो, अस अवसर दशरथ नहीं पायो। ये आप क्या कर रही हैं सीते? ना ही मानिक बोल सकता है और ना ही नीलम के पास दृष्टि है। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। वानरराज सुग्रीव, आकाश से आभूषणों की वर्षा हो रही है। यह तो कोई असुर है जो किसी मानव कन्या का अपहरण करके लिए जा रहा है। वो अपने आभूषण फेंक रही है, यह किसी प्रकार का संकेत है। नल नील सारे आभूषण एकत्र कर लो। हे पवन सुत अंजनी पुत्र हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश वानर राज, इन आभूषणों को आप अपने पास रखें। महाराज सुग्रीव, ये तो देवी आभूषण है। ऐसे आभूषण केवल किसी ऋषि पत्नी या ऋषि पुत्री के पास होते हैं। फिर तो ये आभूषण फेंकने वाली नारी या तो ऋषि पत्नी है अथवा किसी ऋषि पत्नी ने ये आभूषण उस नारी को भेंट में दिए हैं। कदाचित उस नारी ने ये आभूषण इसलिए फेंके हैं क्योंकि उसे इस मार्ग से अपने पति या अपने पिता के आने की आशा है। मैं इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखवा देता हूं।
यहां से लंकापति रावण की असुर सीमा प्रारंभ होती है। आज तक कोई मानव इसे पार नहीं कर पाया है। तुमने लक्ष्मण की रेखा तो पार कर ली, परंतु ये रावण की रेखा है। जो भी इसे पार करने का दुस्साहस करेगा डूब मरेगा। सागर के भयंकर जीव उसे अपना भोजन बना लेंगे। देवी, दानव लोक आपका स्वागत करता है। नीचे ही मेरी विश्राम वाटिका है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। दया भाव में जान के समझ सके ना चाल, रावण किस षड्यंत्र का बिछा रहा था जाल, पर अपने ही काल को बुला रहा नादान, खुद अपने परिणाम से पापी है अनजान, पापी है अनजान।